रोजा बांसते हैं। एक बार फिर डायरिया का कहर तेजी से बढ़ने लगा है। एक ही मोहल्ले में दर्जन भर बच्चे और महिलाएं डायरिया से पीड़ित हो गए हैं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला फिरोजाबाद शहर के चार बाग का है। यहाँ पर विगत 3 दिन से रहने वाले लोगों में उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी है। जब यह संख्या लगातार बढ़ती गई तो आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की और डायरिया से पीड़ित करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चे और महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी मौके पर जाकर जांच पड़ताल की है। वहीं क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम को जाकर जांच करने के निर्देश दिए। फिलहाल टीम यह जानने में जुटी है कि लोगों को डायरिया की शिकायत आखिर क्यों हो रही है। CVM स्कूल के सामने वाली गली में जैसे मुझे सुबह 9 बजे करीब पता लगा कि डायरिया के मरीज यहाँ पर काफ़ी संख्या में है और यहाँ की कोई देख रेख नहीं हो रही है, तुरंत मैंने नगर विधायक श्री मनीष सजिया को फ़ोन किया। तुरंत मौके पर आकर मनीष सजिया जी ने यहाँ पर अधिकारी को बुलाया और यहाँ जांच होने के लिए सभी मरीज SN हॉस्पिटल पर पहुँच गए। तो यहाँ पे जो डायरिया की समस्या आई है वो पानी से संबंधित है या फिर कोई और बीमारी की है वैसे हुई है? यहाँ जो समस्या है सबसे बड़ी गंदगी, साफ सफाई नहीं है और समय से पानी नहीं आता है। जो पानी है जो पाइप में भरा हुआ है वो पानी रुक रुक के आता है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है गंदगी की वजह से मरीज जो हुए हैं। तो कब से यहाँ पे समस्या आ रही है? ये जो समस्या आई है 3 दिन से समस्या आई हुई है, आज इसका पता लगा। कितने दिन से बीमारी फैली हुई है? कल शाम को तो मम्मी जी को हो गई थी, आज सुबह सिस्टर को हो गई। अभी कोई अधिकारी आए थे देखने के लिए? अभी आए थे, मैं तो स्कूल था। क्या कह के गए थे वो अधिकारी? वो तो घर पर पता होगी, मैं स्कूल में था। आपकी मम्मी और सिस्टर अभी कहाँ पर है? अभी सरकारी हॉस्पिटल में, जो जैन मंदिर के पास। आज ही भर्ती कराया गया उनको? आज ट्रामा सेंटर। आप लेके गए थे उनको? बड़े भैया गए थे। बड़े भैया रात में कुछ पेशेंट को डायरिया हुआ और हमारी पूरी टीम जो काफ़ी चिकित्सक हैं सबको लगा के अगर अगर काम देगी और सामने हमने सारे पेशेंट को जो है 10-12 पेशेंट सबको शिफ्ट करा दिया अखिल अस्पताल मेडिकल कॉलेज में और बाकी घर पर घर का सर्वे किया जा रहा है जो भी इलाज किया। क्या वजह रही सर जो डायरिया फैलने की है अभी पता चल पाया? जाँच के बाद पता लगा कि क्या वजह रही है, क्योंकि ऐसा कोई अभी काम करने में लगा क्या जाँच के बाद। कितने पेशेंट अभी तक निकल के आए? 12 पेशेंट हमने भर्ती कर दिए, लगभग 8-10 और पेशेंट थे जिनको इलाज घर पर देखा है। थैंक यू। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।